अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं जी सिद्रस व्लॉग, और यहाँ पर जी हमारी है मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए जी आज कोल्ड कॉफ़ी। तो असल में बात यह कि मेरे बच्चे जो है ना, मेरे को वैसे जो है ना बिल्कुल शौक़ से नहीं पीते, तो बस मेरी कोशिश होती है कि वो मिल्क का जो है ना इंटेक ज़रूर करें। तो उसके लिए जो है ना हम मदर्स, आपको पता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हर्बे वो आजमाते रहते हैं हम। और अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने मिल्क के अंदर जो है ना 1 टीस्पून के अराउंड कॉफ़ी ऐड की थी, और उसको अच्छे से जो है ना मैं ब्लेंड करी हूँ। बिकॉज आपको पता है कॉफ़ी को जितना हम अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना ही जो है ना उसका फ्लेवर निकल कर आता है। और यहाँ पर ये देखिए अच्छे से जो है मैंने मिक्सिंग कर ली थी। तो मेरे बच्चों को जो है ना असल में क्या है कि जो दूध की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है ना, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए जो है मैं कुछ ना कुछ इनको मिल्क में ऐड कर कर देती रहती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना मिल्क का इंटेक ज़रूर करें। अच्छा, अगर आपके बच्चों को कॉफ़ी पसंद नहीं है तो कोई भी फ्रूट्स अगर पसंद है तो वो डाल दिया करें, नहीं तो कोई चॉकलेट अगर आपके बच्चों की बहुत फेवरेट है तो वो डाल दिया करें। लेकिन कोशिश ज़रूर किया करें कि बच्चों की जो है ना डाइट में मिल्क ज़रूर रखा करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 2 टेबल स्पून के अराउंड जो है आइसक्रीम ले लिया है, और 1 टेबल स्पून के अराउंड यहाँ पर मैंने जो है क्रीम ले लिया है। तो जिसकी वजह से जो हमारा ये शेक है ना बहुत ही क्रीमी सा बनेगा, और बच्चे जो है ना बहुत शौक शौक से भी पी लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है जी 2 टेबल स्पून के अराउंड कंडेंस मिल्क, बिकॉज के मैंने जो शुगर है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं की सारे ड्रिंक में। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, फिर भी ये बहुत ही मज़े का बनेगा। मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है जी अब मिल्क, और मिल्क जो है ना आप जितना अच्छा सा कोल्ड चिल मिल्क लेंगे ना उतने ही मज़े की जो है ना आपकी ये कोल्ड कॉफ़ी बनेगी। अभी तो विंटर आ गया ना, अगर समर में ये बनाती तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर आइस भी डालती हूँ, फिर उससे बड़ा ठंडा ठंडा सा जो शेक है ना बनता है। तो अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप आइस भी ज़रूर डालिएगा, आई एम श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर लगेगा। यहाँ पर जी हमारी जो है कोल्ड कॉफ़ी रेडी है, बस सब बच्चों को जो है सर्व करके देंगे और बस थोड़ा सा जो है इसको डेकोरेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने अपने बच्चों को खुश करने के लिए ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो है ना आइसक्रीम डाल दी थी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए जी कितनी अच्छी सी आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि जाग आ गई है, तो ये अच्छे से ब्लेंडिंग करने से ही आएगी। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो है चॉकलेट पाउडर से स्प्रिंकल कर दिया था, ताकि अच्छा सा जो है ना हमारा शेक दिखने में भी अच्छा लगे। और ये जी मज़ेदार सा हमारा हेल्दी और फुल ऑफ जो आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन से भरपूर है। और यहाँ पर जी दूसरा कप रेडी हो रहा था, बिकॉज के बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेरे से डेकोरेशन करवाई थी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्प्रिंगल्स डाल दी थी। तो बस जी मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, उनको जो है ना ऐसी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर जो है ईशा का भी शेक रेडी है, तो बस चले जी उसको भी देते हैं, और फिर जो है मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आपको अच्छा लगा ये? तो यहाँ पर तो मुस्तफा बहुत ही बिजी थे अपने आईपैड में, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था। और आजकल पता नहीं बच्चों को क्या हो गया, स्पेशली जब खाने पीने का टाइम होता है ना, तब तो इन लोगों को टैब जो है ना मस्ट ही चाहिए। उसके बिना तो जो है ना एक नवाला भी आप कह लें कि इम्पॉसिबल सी बात है बच्चे खा लें। तो किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है बन रही है मेरी सुबह की मॉर्निंग टी, और आपको पता ही है जो टी के एडिक्टेड है कि हम लोगों की जो मॉर्निंग है ना वो इसके बिना इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग सी जो है ना चाय अपने लिए बना ली है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से जो है ना अपनी मैं नाश्ता जो है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने साथ में थोड़े से मीठे टोस्ट भी बना लिए थे, बिकॉज़ कि आप कह सकते हैं हमारे घर जो है ना नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ ही हो रहा होता है, तो मुझे होता है कि थोड़ा सा जो है ना ये फिलर सा हो, बिकॉज़ के बच्चे जो है ना रात को ही प्रॉपर जो खाना होता है ना वो खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना मीठे टोस्ट भी बना लिए थे, चाय भी रेडी है। तो चले जी बस अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, फिर मैं मिलती हूँ आपसे जो है ना थोड़ी देर बाद। ये है जी मेथी और ये है पालक, तो बनाऊंगी आज मैं आलू मेथी।
और जी ये देखिए किस कदर जो है मैस पड़ा हुआ, इतनी ढेर सारी मेथी से जस्ट ये मेथी निकली है, बहुत ज़्यादा जो थी ना ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज़ कि आती है ये पाकिस्तान से, तो फिर जाहिर बात है वो पैकिंग में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है लीव्स डेड हो चुके थे, तो बड़ी मुश्किलों से बस ये थोड़ी सी निकली है। तो पहले इस मेस को क्लीन करते हैं, फिर मैं आपसे जो है ना रेसिपी भी शेयर करती हूँ। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ना यहाँ से बाहर का व्यू कराती हूँ, बिकॉज के बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आता है सनसेट का, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैंने कहा चले जी आपसे भी आज शेयर करती हूँ। तो मौसम यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हो चुका हुआ है, तो इस टाइम अब मैं विंडो भी ओपन करती हूँ, तो ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा सनसेट आता है। चलिए जी अपना कैमरा वहीं निकाल के ना आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए जी बहुत प्यारा माशाल्लाह से ये देखिए व्यू है, बच्चे भी जो है अभी खेल रहे हैं। तो बस अभी हम लोगों ने निकलना है वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के लिए, मैं मेथी मैंने बना ली है, तो बस अब आके फौरन जल्दी जल्दी से जो है आलू मेथी बनाएंगे, तो चलते हैं जी। अच्छा तो पहले जो है ना मेरा भी प्लान था कि मैं भी बच्चों के साथ जाऊंगी उनकी वैक्सीनेशन कराने के लिए, बट जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैंने मेथी बनाई थी तो उसका काफ़ी ज़्यादा मैस पड़ गया था, तो फिर उसको भी क्लीन अप करना था और फिर मैंने खाना भी बनाना था, तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ही बच्चों को ले जाए। तो फिर यहाँ पर जो है ना अभिया ने कुछ क्लिप्स बनाए थे, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर देती हूँ। ये जो था इनका अहमदी का क्लिनिक था, यहाँ पर बच्चों की जो है टर्न आई थी, तो जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लाइटनिंग वगैरह कर दी है, बिकॉज़ के आफ्टर 2 मंथ के बाद ना यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट डे आ रहा है का, और बस अभी से ये लोग स्टार्ट कर दिए, इन लोगों ने अपने जो ट्रेडिशनल जो इनकी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं वो पहले से ये लाइटिंग इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है। अच्छा मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है यहाँ पर कि ये लोग अपनी कल्चर जो है अपने ट्रेडिशनल है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इवन के जो ये हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर भी ये लोग फुली जो है ना अपना सारा सेटअप जो है ना ट्रेडिशनल ही करते जा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हम इन चीज़ों से बहुत दूर जाते हैं, हम लोग दूसरी कंट्रीज़ को कॉपी करते हैं, लेकिन यकीन करें जो अपने रूट्स के साथ टच रहते ना वही हमेशा कामयाबी पाते हैं। अच्छा यहाँ पर जी आ गई हूँ मैं रेसिपी की तरफ, यहाँ पर जल्दी से क्विक से मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज के मुझे पता है कि आप सबको बहुत अच्छे से आलू मेथी बनानी आती है, लेकिन मेरी ये रेसिपी जब भी किसी ने खाई है ना तो सबने मुझे एक जो है ना ज़रूर कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपकी जो ना आलू मेथी बिल्कुल कड़वी नहीं होती। मैंने कहा चले जी शेयर करती हूँ, मे भी काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो। अच्छा मैंने सिंपली ऑयल में जो है ना ऑनियन डाला है, उसको जो है मैंने जस्ट आपके लिए हल्का सा ब्राउन किया है, उसके साथ ही मैंने ऐड कर दी जी 2 मीडियम टोमेटोज ऐड कर दी, बिकॉज अच्छा सा जो है ना मैं मसाला बना रही हूँ, और साथ में जी जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं नमक मिर्च हल्दी वो मैंने ऐड किया है, और इनको हम भूनेंगे अच्छा सा जो है मसाला बनाएंगे, तो ताकि जो है जितना अच्छा मसाला होगा उतना ही अच्छा जो है हमारा आलू मेथी बनेगा, हमेशा मैं यही कहती हूँ अपनी रेसिपी में। तो यहाँ पर ये देखिए जी अच्छी सी मैं इसकी कर रही हूँ बुनाई, तो जी यहाँ पर उसकी बुनाई करने के बाद मैंने कवर कर दिया था ताकि अच्छे से जो मसाला है वो कुक हो जाए, और यहाँ पर देखे जी अब मैं टमाटरों को जो हल्का हल्का सा मैश कर दूँगी ताकि अच्छी सी जो है ना ग्रेवी सी बन जाए, और इससे जो है ना हमारी आलू मेथी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर जी अब मसाला जो है बुना गया है अच्छे से, यहाँ पर मैंने जो है मेथी और पालक डाल दी है, तो मैंने जो है आप कह सकते हैं 6-7 जो गठियाँ हैं वो मेथी की ली हैं, और 2 मैंने जो है ना पालक की ली है, तो पालक ऐड करने से क्या होगा कि जो आपकी मेथी है ना वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी, और यहाँ पर देखिए जी अच्छी सी जो है बुनाई हो रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर्दियों की जो ना फर्स्ट आलू मेथी बन चुकी है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पकती है, बिकॉज के मेरी सारी फैमिली को ही आलू मेथी बहुत पसंद है। अच्छा तो ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो आप लाइव कुकिंग करते हो ना, उसका साउंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज बच्चे घर में नहीं थे ना तो वो मैंने प्रॉपर जो है ना वीडियो शूट की थी कि मैं ऐसे ही डालूंगी, फिर मैंने सोचा कि मे बी आप लोगों को जो है ना वो बोरियत लगे, फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया था। अच्छा यहाँ पर ये देखिए जी आलू बुन गए हैं, और अच्छे से आलू मेथी जो है ना कुक हो चुकी है, एंड सी गाइस लुक सो यमी यमी। तो यहाँ पर जी मैंने 1 टेबल स्पून के अराउंड जो है आप कह लें मैंने क्रीम डाल दी है, तो इससे भी जो है ना आप कह लें कि मलाई की तरह जो है ना आपकी आलू मेथी बनती है, एंड ये भी आपकी आलू मेथी को बहुत जो है फ्लेवर को इंक्रीज करती है। तो जी बस बच्चे आ गए थे माशाल्लाह से, बच्चे बहुत खुश थे बिकॉज वो आज जो थे ना फुली वैक्सीनेटेड हो गए थे, जब लास्ट मंथ जब मेरे भाई भाभी पाकिस्तान गए थे ना तो तब बच्चे बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे थे, बिकॉज कि उनका भी बहुत ही मूड था ट्रैवल करने का, बट हम लोगों ने इसीलिए ट्रैवल नहीं किया था बिकॉज के बच्चों की अभी वैक्सीनेशन की जो सेकेंड डोज थी वो लगनी थी, तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लग गई है। इंशाल्लाह जो है अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, बिकॉज के अभी सब जो है पेपर वर्क
कंप्लीट हो जाएँ फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मुझे पता है कि माशाल्लाह से जो ऑडियंस है मेरी बहुत स्मार्ट है, उनको गेस हो ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर जी हमारी आलू मेथी जो है हम लोग खाने वाले थे, तो हम लोग तो जी खाते हैं इसको योगर्ट के साथ, बहुत ही मज़ा आता है। और हस्बैंड जो है आती दफ़ा तंदूर से रोटियाँ भी ले आए थे बिकॉज के मैं बहुत थक चुकी थी। तो चले जी हम लोग अपना डिनर इन्जॉय करते हैं, आप लोग जो है हमारी शॉपिंग इन्जॉय करें। चले अब आपसे जो है शेयर करते हैं आज के शॉपिंग हॉल जो कि मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बड़ी अच्छी मुझे जो है ना चीज़ें मिल गई थी उस दिन ऑफर में। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शॉपिंग की थी जी नूरैन से की थी, HM से की थी, मदर केयर से की थी और सेंटर पॉइंट तो आपके लिए मस्त है। और जो ये शॉपिंग की थी ना ये मैंने बाथ एंड बॉडी से की थी। तो यहाँ से जो है ना मैंने ये परफ्यूम्स ली थी, तो आपको पता है कि एज ए गिफ्ट ये बहुत अच्छी रहती है ये ना। तो मैंने ये दो तीन जो है फ्लेवर्स लिए थे परफ्यूम्स के, तो और कुछ लिए मैंने लोशंस भी लिए थे। तो इनके जो है ना मैं पैक बनाऊंगी और फिर जो है ना एज ए गिफ्ट में देती हूँ। अभी कुछ शॉपिंग अभी लेफ्ट है तो इंशाल्लाह जो है वो भी कर लिए अभी। अच्छा तो उसके अलावा भी मैंने HM से क्या पाया किया था, HM से भी बहुत अच्छी ऑफर दी थी, बाय वन एंड गेट वन की था। तो इस ऑफर का भी मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो ये देखिए एक मैंने ये जो है शर्ट ली थी, ये देखें बहुत प्यारी शर्ट बनी थी, मैंने मुस्तफ़ा के लिए ये शर्ट ली थी। ये तो ये शर्ट देखें बहुत मज़े की शर्ट है, ये देखें तो इससे करेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं लाइक। तो चलिए जी साथ साथ जो है ना ये चीज़ें संभालते हैं। एक मैंने HM से ये शर्ट बाय की थी, देखें ये देखें बाय वन एंड गेट वन फ्री। तो एक मैंने ये ले ली थी और मदर केयर में भी ऐसी ही ऑफर थी सेम बाय वन एंड गेट वन फ्री। तो मतलब कि आप कह लें मुस्तफ़ा की तो ना खूब मैंने शॉपिंग की है। एक मैंने उसके लिए ये शर्ट ली थी तो, और एक ये बल्कि कि HM से भी ज़्यादा ना मदर केयर में ज़्यादा अच्छी ऑफर लगी है। तो अगर आप लोगों ने विज़िट करना है तो मदर केयर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ये भी बाय वन गेट वन फ्री। तो एक मैंने ये ली और एक मैंने ये ली। तो यहाँ पर मैंने ना पोजिशन चेंज की है कैमरे की, तो मैंने कहा चले आपको सही से दिखाती हूँ। एक ये शर्ट थी और एक ये शर्ट थी मुस्तफ़ा की और एक ये शर्ट थी। सभी शर्ट्स करेक्टर्स वाली हैं, बहुत ही प्यारी शर्ट्स हैं। अच्छा तो ईशा भैया ने क्या शॉपिंग की थी, ये हम लोगों ने शॉपिंग की थी जी सेंटर पॉइंट से। तो अच्छा ये शॉपिंग जो है ना आप कह लें कि मैंने ऑनलाइन सेंटर पॉइंट से की थी, ये क्योंकि इनकी ऑन स्टोर में सेल नहीं है, इनकी इन ऑनलाइन है। तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं इनके स्टोर को ऑनलाइन तो बहुत अच्छी है, इनकी सेल्स चल रही है तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये बैग भी जो है इन लोगों ने लिया था, अच्छी ऑफर में मिल गया था। तो आई थिंक 20 or 30% डिस्काउंट था इस बैग में। तो अभी हमने ये लिया था तो यहाँ पर जो है इन्होंने बच्चों ने कुछ ज्वेलरी ली थी तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बच्चों की ईशा भी ने ये ली थी वॉचेस, आजकल बच्चों को वॉचेस का बहुत शौक है। और ये देखिए इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बने हुए हैं, तो बच्चे जो है ना स्टेप्स चेंज कर कर यूज़ कर सकते हैं, इस वॉच को मैचिंग कर सकते हैं। अच्छा एक ये इयररिंग्स थे बच्चों ने लिए थे, ये इयररिंग्स जो है ना अभी आई थिंक आपको नज़र से इसे आ रही हूँ, ये देखिए ये इयररिंग्स थे और ये भी बहुत प्यारे इयररिंग्स थे। तो माशाल्लाह से जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है। तो मैं भी ऐसी थी जब इनकी एज की थी बहुत ज्वेलरी लेती थी, तो आगे से जो आप कह लेंगे मेरे बच्चों में भी ये शौक जो है। तो ये थी एक ज्वेलरी और एक ये बहुत प्यारा था एक नेकलेस, ये देखें ये इन्होंने लिया था बच्चों ने। और एक ये, और अभिया को बहुत शौक आ रहा था कि मैंने अपने जो है ना अल्फ़ाबेट्स नेम का लेना है, तो ये अभिया ने लिया था। तो हम ईशा को जो है ना ई नहीं मिला तो उसका ई भी चेक करेंगे कहीं से मिलेगा तो वो शेयर करूँगी मैं आपसे। तो ईशा ने ये कीरिंग लिया था बहुत क्यूट सा, तो मैंने आपसे बर्थडे व्लॉग में भी शेयर किया था ना, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं छोटे से स्मॉल से स्टफ टॉय। तो ईशा ने लिया था कीरिंग। और जी ये थे अगेन से इयररिंग्स, ये थे अभिया के। तो ये शॉपिंग थी बच्चों की। और चले जी आप कह सकते हैं नॉट एंड बट द लीस्ट शॉपिंग जो है वो शेयर करते हैं, जो कि आप कह सकते हैं शॉपिंग ऑफ द डे आप कह सकते हैं। अच्छा ये बच्चों ने लिए थे, मैंने बच्चों के लिए लिए थे ये मफलर्स, जैसे जब आपने ट्रैवल करना हो तो फिर ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती हैं साथ में, ये मैंने लिया है। और ये जी मैंने ली थी शॉल, अपने लिए शॉल कह लें आई थिंक आप स्वेटर कह लें,
तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने आपसे लास्ट लोग भी शेयर किया था ना कि मुझे वाइट और जो है ना ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये बड़ी अच्छी सी बनी हुई मैं भी आपसे शेयर करती हूँ। आप इसको शॉल भी कह सकते हैं, इसको स्वेटर भी कह सकते हैं, लाइक दिस। ये देखिए इसकी जो है ना, आई थिंक मैं आपको जो है डिटेल शेयर कर पाऊँ। ये देखें ये ऐसे है इसकी, तो बहुत प्यारी इसकी ये देखें लुक आ रही थी। वहाँ से इसको फोल्ड करें, तो ये बहुत प्यारी शॉल बनी हुई थी। तो अभी तो फ़िलहाल जो है यही शॉपिंग थी मेरी, आप कह लें कि छोटी मोटी जो शॉपिंग की थी। तो इंशाल्लाह जब फाइनल हो जाएगा हमारी टिकट्स वगैरह, फिर जो है ना थोड़ी सी जो हमारी शॉपिंग है वो फास्ट होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी हम लोग कब जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के लिए मेरे जो है व्लॉग्स को देखना पड़ेगा, और उससे पहले तो आप लोगों को पता है आपने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लीजिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।